इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है हमने देखा है, फोटोसिस्टम फर्स्ट टू फोटोसिस्टम सेकंड, आफ्टर दैट हमें देखना है व्हाट हैपेंस रिगार्डिंग द वाटर। फोटोसिंथेसिस में वाटर की क्या भूमिका है, वाटर का क्या होता है और वाटर से क्या रिलीज होता है। आपको मालूम है कि पौधों में, प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस में जो बायो प्रोडक्ट है O2 भी है, ऑक्सीजन। वो जो ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, हमें जो मिलता है ऑक्सीजन, उसी की वजह से हम जिंदा है ना, ऑक्सीजन की वजह से। तो ये ऑक्सीजन कहां से आता है, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है, रिलीज होता है फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में, लेकिन ये ऑक्सीजन कहां से आता है, वाटर के स्प्लिटिंग से, ब्रेकडाउन से। अलॉपिगेटी छोटी छोटी चीजें है लेकिन नीट के लिए यही चीजें बड़ी है। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? और आपको मालूम है, अभी हमने देख लिया है कि ये जो वाटर का स्प्लिटिंग हो रहा है, हमने अभी डायग्राम ड्रॉ किया था, तो ये पीएस सेकंड फोटोसिस्टम सेकंड से रिलेटेड है क्या फोटोसिस्टम फर्स्ट से रिलेटेड? अभी ड्रॉ किया था, पीएस सेकंड से रिलेटेड है। ऑल ऑफ यू गेटिंग? वाटर का स्प्लिटिंग कहां होता है, फोटोसिस्टम सेकंड में होता है। और एक्चुअली वाटर का जो स्प्लिटिंग होता है कहां होता है, लीफ में, विच साइड, थायलाकॉइड, इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ थायलाकॉइड। मेम्ब्रेन ऑफ थायलाकॉइड जो है उसके इनर साइड में वाटर का स्प्लिटिंग होता है। ऑल ऑफ यू गेटिंग? यू हैव टू कीप इन माइंड। और एक्चुअली क्या हो रहा है, वाटर की स्प्लिटिंग में जो केमिकल्स फॉर्म हो रहे हैं, वाटर यानी हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, करेक्ट। तो बैलेंस करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लिया है, तो इधर नहीं 2 एटम लिया इधर, तो ये हाइड्रोजन के 4 एटम हो गए, 4H, 4H प्लस प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन माइनस। यानी वाटर की स्प्लिटिंग से क्या बाय प्रोडक्ट मिल रहा है, हाइड्रोजन मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है, और इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे, रिलीज हो रहे। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ वाटर विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द फोटोसिंथेसिस। अगर वाटर का स्प्लिटिंग नहीं हुआ तो फोटोसिंथेसिस होगा क्या? देखिए हर चीज इंपॉर्टेंट है, वाटर का स्प्लिटिंग होना फोटोसिंथेसिस में जरूरी है। कहा किससे रिलेटेड है, पीएस से, करेक्ट। और कहा होता है वाटर का स्प्लिटिंग, इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ थायलाकॉइड। ऑल ऑफ यू कीप इट माइंड।